उधर स्वाति मालीवाल बदसलूकी केस में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। स्वाति आम आदमी पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही हैं और आपके नेता लगातार बीजेपी पर साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आम आदमी पार्टी के नेताओं को कोर्ट तक घसीटने की चेतावनी दे डाली। इस रिपोर्ट में देखें। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में अरविंद केजरीवाल और आप चौतरफा घिर गई है। इसके बाद अब वो लगातार अपनी नेता को झूठा बता रही है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर बीजेपी पर विभव कुमार को साजिश के तहत फंसाने का आरोप भी लगाया। स्वाति मालीवाल जी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश हुई। स्वाति मालीवाल जी को जब अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिले तो उनके पीए विभव कुमार पे झूठे आरोप लगा दिए गए। लेकिन फिर से भगवान हमारे साथ था और स्वाति मालीवाल जी की वीडियो फुटेज पूरे देश के सामने आ गई। आपके लगाए गए इन आरोपों के बाद स्वाति मालीवाल ने अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पलटवार किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि जो विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने के पहले तक लेडी सिंगम थी, वो आज बीजेपी एजेंट बन गई। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि सच बोलने की वजह से पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लगा दी गई। स्वाति मालीवाल ने अपने पोस्ट में कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पर भ्रष्टाचार की FIR हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारे पर मैंने ये सब किया। ये FIR 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे CM और LG दोनों ने दो बार और महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है, जिस पर 1.5 साल से माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है, जिन्होंने माना है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है। अपने पोस्ट में स्वाति मालीवाल ने आप पर करारा हमला बोला और आगे लिखा कि विभव कुमार के खिलाफ शिकायत करने तक मैं इनके हिसाब से लेडी सिंगम थी और आज बीजेपी एजेंट बन गई। पूरी ट्रोल आर्मी मुझ पर लगा दी गई सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने सच बोला। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति की कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करनी है। इतना ही नहीं, स्वाति मालीवाल ने पोस्ट में अपने रिश्तेदारों की जान को खतरा भी बताया। हालांकि उन्होंने झूठ फैलाने वालों को कोर्ट तक घसीटने की बात भी लिखी। झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, पर सत्ता के नशे में किसी को नीचा दिखाने के जुनून में ऐसा ना हो कि जब सच सामने आए तो अपने परिवारों से भी नजर ना मिला पाओ। तुम्हारे हर फैलाए झूठ के लिए तुम्हें कोर्ट लेके जाऊंगी। वहीं स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। एक दिन पहले दोबारा विभव कुमार को पुलिस सिविल लाइन्स लेकर पहुंची और पूरी घटना का फिर से रिक्रिएशन किया गया, जो CM आवास में करीब 1.5 घंटे तक चला। इस दौरान विभव कुमार से पुलिस ने 13 मई की घटना पर सवाल जवाब किए, जिसके बाद पुलिस केजरीवाल के पीए विभव को वापस ले गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए मारो राजस्थान। नमस्कार।